तो कैसी लगी आपको पहले पार्ट? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, देखो जाकर। तो भाई एक ब्रिज आ चुका है जो कि ये पार्वती नदी के उस पार जाता है। बाकी और आगे एक और ब्रिज आएगा, वो लेफ्ट टर्न जाएगा पार्वती नदी को क्रॉस करके। जैसे इसमें इस वाले में कर रहे हैं, उधर लेफ्ट टर्न क्रॉस करके। तो इधर देखो, व्यू देखो यार, पहाड़, यो भाई खतरनाक बादल दिख रहे हैं इधर तो पूरा। बाकी हम ये क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस अभी थोड़ा हम रुक के फ़ोटो शूट वगैरह करवाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा यहाँ रुके हैं। बाइक वगैरह यहाँ पार्क कर दिए हैं। और बाकी यार काफ़ी क्लाउड, और ये दिए ना, ये पार्वती नदी है जो कि ये बह के जा रही है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे, ये नीचे को जा रही है। इधर को बोट एक छोटी सी दिख रही है वहाँ पे, देखो। हाँ ठीक है ठीक है, देख रहा हूँ भाई। तो गाइस हमको मोटिवेट कर रहे हैं पुलिस वाले सर जो है इधर, हमने पूछा मणिकरण से तो बोल रहा है रास्ते पर, मतलब ऐसे ही पूछ लिया ताकि रोक के ना, क्योंकि बाकी वो मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे जाओ जाओ तो ये देखो गाइस द हाईवे किंग बार यस रेस्टोरेंट, भाई खतरनाक। ये तैनिश ढाबा है जो कि यहाँ पे अभी हम कुछ चाय चूय पियेंगे। थोड़ा सा यार काफ़ी दूर से जा रहे हैं तो बैठे बैठे बाइक पे, समझ रहे हो ना क्या हाल हुआ होगा। बैठे समझ रहे हो ना गाइस, यहाँ पे मैगी और कॉफ़ी हम पी चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं अभी आगे। थोड़ा सा चलते हैं आगे, उसके बाद दिखाते हैं बाकी सारे बाइकर्स तैयार हो चुके हैं हमारे। ये देख सकते हो, ये अमन है, ये अभिषेक है, गिरीश और ये दीपू। अभी हम बैठने वाले अपनी राइडर पे ही, क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लग रही है। R15 तो ज़्यादा यार डीट हो जाएगी, तो अभी मैं फिलहाल इसी बैठने वाला हूँ और चलते हैं आगे, उसके बाद दिखाते हैं। भाई नंबर 3 टनल और आ चुका है, ये देख सकते हो लिखा हुआ है बोर्ड पे नंबर 3। गाइस इधर का भी कुछ व्यू ऐसा होने बाकी, ये लंबाई इसकी कितनी है ये आगे जाके ही पता लगेगा। बाकी आगे पहुंचते हैं, बाकी ये हमारा दोस्त अमन गया। इधर भी थोड़ा हल्का गर्म है भाई, अंदर घुसते ही गर्म लगने लग जा रहा है और थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है इधर हल्की फुल्की, ज़्यादा लंबा होने के कारण ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन कमी। बाकी निकलते हैं आगे, उसके बाद दिखाते हैं। टर्नल के अंदर तो घुसते ही पूरी गजब हो जा रहा है, पूरा एकदम खतरनाक हो जा रहा है। नॉट ड्रिंकिंग ड्राइव लिखा हुआ था भाई वहाँ पे, तो बस थोड़ी देर में बाहर निकलने वाले हैं। चेक करो गाइस सामने वाला पूरा वेदर खतरनाक भाई, ये बादल देखो सामने। अभी हम लोग रुक के थोड़ा फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं, इसके वजह से रुके हुए। बाकी सामने तो बादल कुछ कैंट नज़र आ रहा है, एकदम पहाड़ों पर साफ साफ दिख रहा है मेरे को पूरे, मतलब इधर का मौसम चुटकी बजाते ही चेंज हो जाता है, कब चेंज हो जाएगा कोई पता नहीं है। बाकी हम थोड़ा हमारा भी धूप से, इधर तो धूप है, इधर धूप है, बाकी पीछे थोड़ा ठंडा था, आगे भी ठंडा हो सकता है, चलते हैं उसके आगे देखियो कितना यार। तो गाइस एक और टूल आ गया मतलब, और बाकी वो सामने का व्यू देखो, पहाड़ों में बादल दिख रहे हैं, देखो उतर रखे हैं, मतलब बादल के एकदम करीब है वो, मतलब पहाड़ के करीब बादल है वो, उसके ऊपर एकदम दिख रहे हैं साफ साफ यहाँ से। बाकी वीडियो में कैसा दिख रहा है ये तो बता नहीं सकते गाइस, लेकिन मुझे तो अभी फ़िलहाल दिख रहा है बढ़िया एकदम क्लाउड, मौसम एकदम ख़तरनाक वाला है और ना ही धूप है ना ही थोड़ा बादल टाइप के हैं, मतलब ठीक ठाक है, हल्के फुल्के बूंदी भी पड़ रहे हैं, इधर की भी देख सकते हो व्यू वगैरह। बाकी ये ट्रक वाले भैया कब से ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन चला कैसे रहे हैं भाई यही जाने, बहुत खतरनाक चला रहे हैं भाई, किसी को भी ठोक के निकल जाएंगे कुछ भी नहीं पता, इसलिए अपना सेफ ड्राइव करना चाहिए भाई। भाई ये देखो पहाड़ देखो, ये वाला देखो कैंट लग रहा है यार भाई, ट्रैकिंग करने के लिए तो मज़ा ही मज़े है भाई, जाने के बाद ऊपर जब बादल दिखते ना तब वो सीन होता है खतरनाक वाला। बाकी चलते हैं आगे, उसके बाद दिखाते हैं थोड़े। तो भाई कुल्लू मनाली और लेक जो कि ये सीधा जा रहा है पूरा, भाई ये पॉइंट देखो एकदम खतरनाक लग रहा है पूरा, चेक करो देख रहे हो पूरा यार व्यू तो काफ़ी कैंट लग रहा है यार, खतरनाक पूरा वेदर ही वेदर भाई, समझ लो कि वेदर में ही घूम रहे हैं हम तो, इतने ऊँचे आगे पहाड़ पे। बाकी इधर से नदी बह रही है,
तो ये चेक करो, कसौल 35 किलो, मल्ली 58 किलोमीटर है अभी भाई। इधर राफ्टिंग वगैरह के भी है अवेलेबल, यहाँ कर सकते हैं। उधर आगे पीछे भी है और आगे भी हो सकता है, बट अभी हम लोग को टाइम नहीं है। अभी हम लोग जहाँ के लिए निकले हैं वहाँ पहले पहुँचते हैं, बाकी कल का भी अभी पूरा दिन पड़ा है, कल देखेंगे। कुल्लू 16, मनाली 56 और ये भुंतर 16 है। दिख रहा होगा सही सही बादल, ये देखो भाई ना दिख रहा है। यहाँ पे आते आते रास्ते में एक डैम मिल गया, ये देख सकते हो, जाओ तो आप चेक कर ही सकते। इधर तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है भाई, खतरनाक वाला फील हो रहा है ना। रियल में देखने मज़ा आ रहा है ना, खतरनाक होता है बादल क्लाउड देख। चेक करो यार, व्यू लग रहा है एकदम मस्ती आ रही है भाई। अभी फिलहाल हम लोग चाय चुई पीने के लिए यहाँ होटल पे रुके हुए हैं, पीते हैं थोड़ा। ये व्यू देखो कैट लग रहा है पूरा, कुछ ऐसा भी है। बैग वैग अपना इधर रखा हुआ है। अरे दोस्तों चाय पी रहे हैं, बाकी हम तो फ्रूट जूस पी रहे हैं अमरूद का, ये देख सकते हो आप लोग, बस अच्छा है, टेस्ट अच्छा है भाई। व्यू चेक करो भाई, खतरनाक है। यहाँ से वो डैम है जो पानी निकल के आ रहा है ना, और इतनी ठंडी हवा दे रहा है कि जैसे वहाँ पे जैकेट पहनने लायक है, उस जगह इसकी ठंडी हवा दे रहा है। पीछे वाले रोड पर हम छोड़ता है, क्योंकि जो यहाँ से पानी जा रहा है ना, तो ये जो छलाव मार रहा है, ये जो छलाव मार रहा है, इसके वजह से ये ठंडी हवा फेंक रहा है। और ये पूरा बर्फ़ के पानी है, पूरे बर्फ़ के पानी है जितने भी आ रहे हैं। और देख सकते छलाव मार रहा है, देखो इसकी वजह से ठंडी एकदम हवा जा रही है। इधर पूरा एकदम ठंडा था, ट्रैकिंग करके जाएंगे। अगर चढ़ गए इसमें तो पूरे बादल जो है ना एकदम क्लोज दिखेंगे, नीचे ऊपर पूरा खाली आसमान दिखेगा, नीचे बादल दिखेंगे लेफ्ट के बराबर। भाई ले और मनाली मनाली अच्छे से ले हैं 512 किलोमीटर। एक टनल का काम चल रहा है, देखो एक जाना और दूसरी ओर से आना, ये शॉर्टकट निकाल कर टनल बनाने के लिए, जाने और आने के लिए रहेगा। ये भी मतलब टनल जो बन रही है, मैंने आपको बताया था जाने और आने का, ये टनल होगी कौन सी है, कब तक बनेगा कोई पता नहीं है फिलहाल। ये भी देखो टनल बन रहा है सामने, नंबर 11 टनल, 11 नंबर टनल है। अंदर तो भाई आवाज़ ये साथ लंबा टनल हो सकता है, बट यहाँ पे गर्मी नहीं है, ठंडा है। तो भाई 11 नंबर टनल में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, पूरा एकदम ठंडा पड़ा था, बल्कि बाहर से तो पूरा टनल ठंडा पड़ा था क्योंकि पंखा आ गया। और ये 12 नंबर टनल आ गया भाई, 12 नंबर फिर से अंदर भाई, अंदर तो पूरा ठंडा पड़ा है 11 और 12 नंबर में, क्योंकि इसमें पंखा ग्यारह और 12 नंबर टनल जितने है ना पूरा ठंडा था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टनल है, कम से कम 2 किलोमीटर का टनल है ये, इसके वजह से इसमें पंखे लगा रखे हैं। ये 13 नंबर टनल भी भाई काफ़ी लंबा है, अभी फिलहाल मैं अभी हम लोग चले जा रहे हैं और ये भाई पंखे भी ऊपर लग रखे हैं, खतरनाक भी हो रहा है भाई, ठंडा पूरा पड़ा, चिल्ल टनल पूरा ठंडा।
वजह से उस पहाड़ पे बर्फ है, उधर का टेम्परेचर तो पूरा माइनस होगा भाई, पूरा एकदम यार खराब है। बताओ क्यों उतरना पड़ेगा, आराम से चलने कोई दिक्कत नहीं। लंबे लंबे पेड़ आ गए, पूरे लंबे लंबे पेड़, काफ़ी लंबे लंबे पेड़ है, पूरा लंबा, अरे पूरा लंबा पीछे देख। तो देखो गाइस यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह और बोटिंग वगैरह सब कर सकते हैं, ये देखो यहाँ बोट पे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे ये देखो बोट, ये देखो राफ्टिंग करने के लिए, स्टे करने के रूम वगैरह तो आसानी से मिल जाते काफ़ी सारे। भाई कोई नहीं कह सकता कि हम कश्मीर नहीं हैं, भाई कश्मीर में आके ये देखो चेक करो, पूरे कश्मीर वाले व्यू हैं यहाँ पे पूरे मनाली 49 भाई खतरनाक पूरा यार, पानी पूरा ठंडा है पड़ा है भाई, चिल इधर तो पूरा ठंडा लग रहा है जैसे क्या ही बताऊं, जैकेट पाने वाला सीन। पूरा पहाड़ ऊपर से लेके नीचे भाई, ये कम से कम कितने हजार फीट ऊपर हो गया भाई, भाई ऐसे तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी ऊपर है। अब हमारा हाईवे ख़त्म हुआ, सिंगल रोड आ गया है, ये गांव के हो के तरफ से जा रहा है पूरे पहाड़ों के अंदर से, आगे शायद मिले हाईवे हो सकता है, और नीचे पूरा पानी भाई पहाड़ों के अंदर बीच से जा रहे हैं हम तो। ये देखो पेड़ गाइस, ये ऐसा लग रहा है कि पाइन एप्पल वाला पेड़ है, फल लटक रहे हैं भाई इसी उसी की तरह लग रहे हैं। व्यू पॉइंट देखो आप, अरे ये तो सब छोड़ो, कैमरे में कुछ और दिख रहा है और हाँ रियलिटी में कुछ और है भाई। भाई हमारे दोस्त तो पीछे ये दोनों आ रहे हैं जो कि, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, पीछे आ रहे काफ़ी, मतलब लोकेशन हमने खोल रखा है ना तो इसलिए हमारे पीछे पीछे हैं, मैं कहा फिर इनको भी वीडियो में ला दूँ। चलो 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 कोई ना, चलते रहो चलते रहो। राफ्टिंग कहाँ कर लेगा, मौत से है भाई खेलेंगे राफ्टिंग जो करेगा यहाँ पे तो भाई मौत है मौत पूरी। इधर देख लो गाइस करने लायक है राफ्टिंग, जिसको तैरने नहीं आता होगा ना सोच लो गिर गया, वैसे तैरने के लिए जैकेट देते हैं बट फिर भी इसमें खतरा है, चांस है खतरे का, और वैसे तो मुझे तो तैरने आता है। और भाई ऊपर से पानी है खतरनाक आ रही है देखो, पूरा एकदम खतरनाक भाई, ठंडे ठंडे पानी बर्फ वाले आ रहे हैं पूरे एकदम, हाँ भाई चिल्ड एकदम, तभी तो ठंडा इधर है पूरा एरिया, और रास्ते भी खतरनाक हो गए पूरे, सिंगल रोड और ख़राब रास्ते पूरे, इधर बारिश वगैरह में तो लैंडस्लाइड वगैरह होती है सावधान लिखा है। भाई इधर से टनल देखो और ब्रिज क्रॉस करके बना हुआ है, तो अभी देखते हैं थोड़ा सीधा रास्ता। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी देर बैठ बैठ के थक गए हैं, तो देखो सीधा ऊपर भाओ, नीचे तो इधर पूरा पानी है जो कि आगे जा नहीं सकते, जंगली साई काटा है, ये चुभ गया तो बहुत तो तकलीफ़ कर जा सकता है क्योंकि ये जंगली है, बाकी गाड़ियाँ वगैरह तो जा ही रही हैं आगे। अब वो देखो कहाँ भाई, हम फोटो शूट वगैरह कराते थे बट ये हमारा दोस्त आ गया भाई, पता नहीं कहाँ से किसका है कोई बता नहीं सकता। भाई इधर तो जैकेट पाने लायक है, बाकी यहाँ के लोगों को तो रहना होगा ना, तो मतलब रहते रहते प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे तो रह सकते हैं, बाकी हम लोग जैसे के लिए है तो जैकेट ज़रूरी है इधर, क्योंकि इधर जो है ना पूरा ये बर्फ़ का पानी है ना, तो इसके वजह से यहाँ पे पूरा ठंडा है एकदम चिल्ड। बाकी हमारे दोस्त ये पीछे एक और आगे चला गया, बादल चेक करो गाइस कैसा लग रहा है, गाइस तो हुआ, बाकी सब तो छोड़ो
मार्केट है तो मार्केट भाई देखने वाली है, मार्केट है तो काफ़ी जैकेट वगैरह भी सारी बिक रही है यहाँ पे तो, और रूम्स वगैरह भी है, लेपनोस पिज्जा भी है भाई। देखो रूम रहने के लिए भी यहाँ मिल जाता है, कपड़े भी, शॉप वगैरह सब। टू कैसी लगी आपको दूसरी पार्ट कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब कर लेना नए हो चैनल पर टू, क्योंकि तीसरा पार्ट में बहुत मज़ा आएगा।